गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, द्रोणाचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रख रहे होंगे। लगातार परिश्रम आप जो इस समय कर रहे हो, इसका निकट भविष्य में आपको जरूर फायदा मिलेगा और आप कामयाबी के शिखर तक पहुंचोगे। यही हमारी ईश्वर से आपके प्रति सद्भावना है। ये राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम जो वीडियो बाल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित प्रथम वीडियो इससे पहले डाल दिया गया है। ये इसका पार्ट दो है। प्रथम जो वीडियो था उसमें बलात्कार संबंधी जो कुकृत्य है उसके बारे में चर्चा हुई थी। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो ये वीडियो है इसके माध्यम से दहेज से संबंधित जो और कुछ बातें हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो अपनी बात दहेज से हुई थी कि जो दहेज है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कानून कब बना था, तो ये कानून बना था 1961 में। और इसमें अपनी ये भी बात हुई थी कि भारतीय संसद में लाया गया पहला विधेयक था जिसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राजनीति विज्ञान का यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संसद का पहली बार सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई तो वो मामला कौन सा है, तो दहेज निरोधक कानून को लेकर ऐसा हुआ था 1961 में। फिर अब ये बात अपनी दहेज के बारे में हुई थी कि दहेज क्या है, तो दहेज भारतीय समाज में व्याप्त एक प्राचीन कुरूति है। दहेज भारतीय समाज में व्याप्त एक प्राचीन कुरूति रही है जिसके अंतर्गत संपत्ति मानेंगे या फिर मूल्यवान जो प्रतिभूति रही है जो कि विवाह के समय या विवाह से पूर्व या विवाह के बाद एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है या देने का करार किया जाता है वही क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। तो दहेज से संबंधित जो प्रमुख धाराएं थी उनकी अपनी बात हो गई थी और राज्य में भी दहेज से संबंधी जो कानून बना है उस कानून को क्रियान्वित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं तो उनका प्रावधान दहेज निरोधक या दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में है, तो ध्यान रखेंगे धारा 10। अब बात करें हैं इस दहेज प्रणाली के दुष्प्रभाव क्या है, दहेज के दुष्प्रभाव क्या रहे हैं। तो दहेज का तो एक दुष्प्रभाव तो सीधा सही दिखता है कि एक गरीब जो बालिका है, एक गरीब घराने की लड़की है, उसको एक अच्छा घराना अच्छा परिवार मिलने से वंचित रह जाता है क्योंकि समाज में दहेज के लोभी अधिक हैं। तो दहेज के लालच में उसको अच्छा वर नहीं मिल पाता है। दूसरा दुष्प्रभाव में अपन बात करें तो दुष्प्रभाव में ये जो दहेज प्रणाली है, तो बात करें दहेज प्रथा की, तो इस दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव क्या है कि इनके दुष्प्रभाव क्या रहे हैं। तो दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव में एक तो यह है कि इसी की वजह से बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कुछ जो लोग हैं वो अपने पुत्रियों का विवाह या पुत्र का विवाह दहेज की वजह से वयस्क होने से पूर्व कर देते हैं, तो बाल विवाह को भी दहेज प्रथा का दुष्प्रभाव के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा इसी दहेज प्रथा की वजह से आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं घटित होती रहती है, तो उनमें दहेज हत्या भी इसी वजह से की जाती है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या, तो गर्भ में ही भ्रूण को ही हत्या करवा दी जाती है, तो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा भी किस कुप्रथा ने दिया है, तो ध्यान रखेंगे दहेज प्रथा का ये दुष्प्रभाव है। और इन दुष्प्रभावों में अपन सर्वप्रथम बात कर रहे हैं बाल विवाह की। बाल विवाह क्या है, बाल विवाह किसको कहेंगे, तो ध्यान रहे बाल विवाह क्या है, कम उम्र में बालक बालिकाओं का विवाह क्या कहलाएगा, बाल विवाह है। और बाल विवाह में भी बात करें विवाह किसका हो रहा है, बालक का। और बालक की यदि बात करें तो बालक को किस रूप में परिभाषित किया गया है, कौन बालक है या बालिग होने की जो उम्र है, तो उसकी यदि बात करें तो विवाह के संदर्भ में एक कानून बनाया गया था जिसको बाल विवाह
बाल विवाह प्रतिषेध कानून था या शारदा एक्ट जो था, तो बालक के रूप में यदि बात करें, यदि कोई पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष से क्या हो, कम हो, 21 वर्ष से कम हो, वो क्या होगा, बालक। और यदि कोई महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, वो भी क्या होगा, बालक की श्रेणी में आता है। तो ये इससे कम आयु के जो विवाह आयोजित होते हैं वो किस में जाएंगे, बाल विवाह में। साथ ही ध्यान रखें, राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक किस तिथि को होते हैं, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक किस तिथि को होते हैं, तो सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अक्षय तृतीया को। सबसे ज्यादा बाल विवाह किस तिथि को होते हैं, अक्षय तृतीया को। ये अक्षय तृतीया कब आती है, तो ये अक्षय तृतीया आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो तिथि कौन सी थी, वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सी क्या आता है, अक्षय तृतीया। और इसी दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये जो बाल विवाह है, इन बाल विवाह का प्रभाव क्या होता है, बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि कम उम्र में 21 या 18 वर्ष से कम आयु में यदि विवाह होंगे, तो बालकों का जो मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो अब बात करें अपन बाल विवाह का दुष्प्रभाव क्या है, तो इसका दुष्प्रभाव, तो इसका सबसे प्रबल जो दुष्प्रभाव है, तो वो क्या होता है, बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी वजह से, बाल विवाह की वजह से। ये दोनों अवरुद्ध होते हैं और बालक विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। विकास नहीं होगा तो क्या होगी, बीमारियां। तो बालक बालिकाएं विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी होगा कि इससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलेगा। तो ध्यान रखें बाल श्रम, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाएगा तो बालक धन के लोभ में वो कार्य करने लगेगा, और धन के लोभ में वो कार्य करने लगेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां उस पर आएगी, तो वो कम उम्र में जो है ना मजदूरी में लगेगा, तो बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। तो अपनी प्रारंभ में बात हुई थी दहेज के बारे में, तो दहेज प्रथा के ये दुष्प्रभाव हैं, जिनमें एक दुष्प्रभाव तो क्या हो गया कि बाल विवाह है, इसके अलावा दहेज हत्या है, और क्या है, कन्या भ्रूण हत्या है। तो अपन बारी बारी से एक एक की बात कर रहे हैं। बाल विवाह, बालक जो पुरुष हो तो 21 वर्ष से कम, और महिला लड़की हो तो 18 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष व महिला होंगे वो क्या कहलाएंगे, बालक कहलाएंगे। और उनका विवाह कैसा विवाह होगा, बाल विवाह होगा। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं, तो ध्यान रखेंगे अक्षय तृतीया किस दिन आती है, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को। कौन सी तिथि होती है, अक्षय तृतीया। ठीक है, इसके बाद बात करें भाई इस बाल विवाह का दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव में बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ना तो वो मन से मजबूत हो पाते हैं और ना ही तन से मजबूत हो पाते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ बाल श्रम को भी बढ़ावा मिलता है। अब बात करेंगे ये जो बाल विवाह है, इस बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून बनाने का प्रयास किसने किया, इसके विरुद्ध सर्वप्रथम कानून किसने बनाया, तो ध्यान रखेंगे बाल विवाह के विरुद्ध कानून की अगर बात करें तो 1929 एक व्यक्ति जिनका नाम था हरविलास शारदा,
ये हर विलास शारदा महोदय जो है वो अपने राजस्थान में कहाँ के थे? अजमेर के। तो राजस्थान के अजमेर जिले के कौन थे? हर विलास शारदा। और उन्होंने 1929 में जब भारत में लॉर्ड इरविन का शासन था, इस दौरान इन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह को अवरुद्ध करने के लिए बाल विवाह निरोधक एक्ट बनाया 1929। तो एक कानून बना जिसका नाम क्या था? बाल विवाह निरोधक एक्ट। कब बना? तो ये एक्ट कानून बना था 1929। बाल विवाह निरोधक एक्ट किसके प्रयासों से बना है? हर विलास शारदा। और बाल विवाह निरोधक एक्ट जो रहा है 1929 का, ये किस वायसराय के समय बना है? तो तात्कालिक वायसराय का भी ध्यान रखेंगे, तात्कालिक वायसराय कौन था? तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड इरविन के समय कौन सा कानून बना है? बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929। ठीक है, किसके प्रयासों से? हर विलास शारदा के प्रयासों से। और ये हर विलास शारदा कहाँ के हैं? अजमेर के। अब जब ये कानून बनाया गया तो इस कानून के दौरान इसी कानून का प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो नाम है वो क्या है? शारदा एक्ट। ठीक है, तो शारदा एक्ट भी कौन सा है? बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929। इस बाल विवाह निरोधक एक्ट या जो शारदा एक्ट है, इसके अंतर्गत विवाह की आयु की बात करें कि जो विवाह की आयु निर्धारित हुई, विवाह की आयु कितनी आयु निर्धारित की गई थी? तो ध्यान रखेंगे, विवाह की आयु में यदि लड़का है तो लड़का की आयु क्या रही है, और लड़की की आयु कितने वर्ष का लड़का विवाह के योग्य होगा, कितने वर्ष की लड़की विवाह के योग्य है? तो शारदा एक्ट के अनुसार 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष का लड़का। तो यहाँ पे लड़के की आयु कितनी निर्धारित हुई थी? प्रारंभ में 18 वर्ष, और लड़के 4 वर्ष कम कितनी? 14 वर्ष। ध्यान रखें, जब शारदा एक्ट या बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929 में लाया गया था, उस दौरान लड़के के विवाह की आयु क्या थी? 18 वर्ष। आज कितनी है? 21 वर्ष। लड़की के विवाह की आयु कितनी थी? 14 वर्ष। आज कितनी है? 18 वर्ष। तो बाद में इनमें संशोधन हुआ है, तो विवाह की आयु लड़का की कितनी होगी? 18, और लड़की की कितनी है? 14 वर्ष। अब बात करें, ये जो शारदा एक्ट था या बाल विवाह निरोधक एक्ट जो था, ये कब से लागू हुआ? तो इसकी बात करेंगे, बाल विवाह निरोधक एक्ट लागू होने की तिथि क्या है, लागू कब हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये संपूर्ण भारत में भी दो जगह को छोड़ के ध्यान रखेंगे, एक तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर के अलावा एक था पांडिचेरी जिसको बोलते हैं। जम्मू कश्मीर व पांडिचेरी दोनों के अतिरिक्त इसको कब लागू किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1930। तो इसके परिवर्तित होने, लागू होने की तिथि जो है वो कब है? तो ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1930। ठीक है, नया जो वित्तीय वर्ष लागू होता है, नया जो प्रावधान होता है वो 1 अप्रैल से होता है। तो यहाँ पे भी 31, जैसे किसी भी वित्तीय वर्ष का प्रारंभ जो दिन है वो 1 अप्रैल होता है। तो 1 अप्रैल को 1929 में बना और 30 में इसको लागू किया गया है। इसको लागू किस जगह को छोड़ के किया गया था? वर्तमान में कहाँ लागू नहीं, तो ध्यान रखेंगे, उस समय ये लागू कहाँ नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर जिसका 300 अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त अलग प्रावधान थे, अलग नियमावली थी, जिसको अब समाप्त कर दिया है अनुच्छेद 370 को। और इसके अलावा एक क्षेत्र और कौन सा है? पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर वह पांडिचेरी में लागू नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लागू नहीं हुआ।
इसके अतिरिक्त इसको 1 अप्रैल 1930 को भारतवर्ष में लागू किया गया। तो भारतवर्ष में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930। और लागू कहाँ नहीं हुआ? तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में लागू नहीं हुआ। अब इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में इसको लागू कब से किया गया है? तो ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में इसको अब लागू कर दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 थी वो हटा ली गई है और जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 2019 से यहाँ पर भी लागू कर दिया गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू है लेकिन कहाँ पे लागू नहीं रहेगा? तो ध्यान रखेंगे अब वर्तमान में ये कहाँ लागू नहीं है? तो वर्तमान में केवल किस जगह लागू नहीं है? तो केवल यहाँ पर लागू नहीं है, पांडिचेरी में। ठीक है, तो बाल विवाह के बारे में अपनी बात चल रही है। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कानून कब बना? 1929 में। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा कहाँ का था? अजमेर का। कानून का नाम क्या है? बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929, या इसी को क्या बोलते हैं? शारदा एक्ट। जिस समय ये लागू हुआ उस समय तात्कालिक वायसराय कौन था? तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड इरविन। तात्कालिक वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन। और विवाह की आयु कितनी है? लड़का तो कितना होगा? 18 वर्ष। और लड़की कितनी होगी? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष का बालक और 14 वर्ष की लड़की और 18 वर्ष का लड़का विवाह के योग्य माने गए। और ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 से। इसको वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ध्यान रखेंगे ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है कब से? 31 अक्टूबर 2019 से कहाँ लागू हो गया? जम्मू कश्मीर में। केवल कहाँ लागू नहीं है? तो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, कहाँ लागू नहीं है? पांडिचेरी में ये लागू नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जब ये कानून बनाया गया, कौन सा? बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929 या शारदा एक्ट। तो शॉर्ट में बोलेंगे अपन शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब का है? 1929। और दूसरा नाम इसका क्या है? बाल विवाह निरोधक एक्ट जो है इसका दूसरा नाम बाल विवाह है निरोधक एक्ट। कब का? 1929। ये जो कानून है इस कानून में पहली बार बदलाव संशोधन कब हुआ? तो इसमें प्रथम जो संशोधन है यानी आयु संबंधी, जैसे आज बात करें तो आज 18 का उनकी लड़की है, 21 वर्ष का लड़का है। तो इसमें प्रथम जो संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे इसमें प्रथम संशोधन हुआ 1940 में। प्रथम संशोधन कब हुआ है? 1940 में। और आयु में बदलाव किया गया। तो 1940 में प्रथम बदलाव के अंतर्गत लड़की की जो आयु कितनी थी? 14 वर्ष। लड़के की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी की गई? तो 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है। ठीक है, तो प्रथम बदलाव कब हुआ? 1940 में। और इसके बाद वर्तमान स्थिति देखें तो वर्तमान 18 और 21 है, तो ये दोबारा से एक बार फिर से संशोधित हुआ। तो इसके बाद पुनः संशोधन कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे दोबारा इसमें बदलाव वो हुआ है 1978 में फिर से बदलाव हुआ है। और जब दोबारा इसमें बदलाव हुआ तो इस बार लड़का जो है, दोनों की आयु में बदलाव किया गया, लड़का 18 से कितना हो गया? से 21 वर्ष। लड़के की आयु 18 से 21 वर्ष और लड़की की आयु जो है, लड़के की आयु कितनी की गई? 15 वर्ष से बढ़ाकर कितनी हो गई? 18 वर्ष। ठीक है, तो वो जो वर्तमान स्थिति है 21 वर्ष और
18 वर्ष वाली, ये कब बदलाव हुआ है तो 1978 में, ठीक है। अब केंद्र सरकार के द्वारा इस कानून को और अधिक मजबूत किया गया है और नया बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट बनाया गया है। नया बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट बना है कब? 2006 में। किसको रद्द किया गया है? शारदा एक्ट 1929। शारदा एक्ट 1929 या बाल विवाह निरोधक एक्ट 1929 को रद्द करके केंद्र सरकार के द्वारा एक नया कानून बनाया गया है 2006 में, और उसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे, एक नया कानून बना है, तो नया कानून कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब का? 2006। किसको रद्द करके, किसको निरस्त करके? शारदा एक्ट 1929 को। तो ध्यान रखेंगे, ये किसकी जगह? शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1929 की जगह केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है, और वह नया कानून कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब जो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, इसके अंतर्गत जो विवाह की आयु है वो कितनी है? तो 18-21 1978 में परिवर्तित हुई थी। इस विवाह के अंतर्गत, इस बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह करवाने वाले और बाल विवाह में शामिल होने वाले तीनों को सजा देने का प्रावधान है। तो इसका जो उद्देश्य है वो इस कानून को और अधिक दृढ़ता से लागू करना है। तो इसमें विवाह करने वाले को, विवाह करने वाला दूल्हा दुल्हन, विवाह करने वाला और विवाह करवाने वाला, करवाने वाला और साथ में ही विवाह में शामिल होने वाले, विवाह में शामिल होने वाले तीनों को ही क्या है? सजा देने का प्रावधान है। शामिल होने वाले को दंड का क्या किया गया है? प्रावधान, ठीक है। बाल विवाह जैसी बुराई, निंदनीय अपराध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2006 में इस बाल विवाह प्रतिषेध में, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। किसकी जगह? शारदा एक्ट 1929 की जगह, ठीक है। इसमें विवाह करने वाला, विवाह करवाने वाला और विवाह में शामिल होने वाला तीनों को ही अपराधी माना गया है और तीनों को ही दंड देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखें, ये जो नया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है 2006 है, इसको कब से लागू किया गया है? ये कब से लागू हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 2007। तो बाल विवाह है प्रतिषेध अधिनियम लागू होने की तिथि क्या है? तो लागू होने की तिथि या परिवर्तन में आने की तिथि, लागू होने की तिथि कितनी है? 1 नवंबर 2007। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब, सॉरी 2006 कब लागू किया गया? 1 नवंबर 2007 में इसको लागू किया गया है। ये जो कानून बना है, नया कानून, इस नए कानून को कहां पर लागू नहीं किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, उसमें भी वही स्थिति है जब ये बना, तो इसमें भी वही स्थिति, दो वही पहले वाले दो राज्य, एक तो कौन सा? जम्मू कश्मीर, तो एक तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरा पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर व पांडिचेरी में इसको लागू नहीं किया गया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी में नहीं रहा, ये राज्य नहीं रहा, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और इससे धारा 370 समाप्त हटा लिए जाने के पश्चात विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रावधान है, तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 में ये कानून यहाँ लागू किया गया है। केवल कहाँ नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, पांडिचेरी,
पांडिचेरी के अतिरिक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 में लागू हुआ है संपूर्ण भारत में लागू है। ध्यान रखेंगे किस जगह लागू नहीं है, तो पांडिचेरी में। ठीक है, इसके अलावा बात करें ये जो कानून है ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, तो 2006 वाला जो कानून है कानून में कुल कितनी धाराएं हैं, धाराएं कितनी है इसमें, तो धारा इसमें है 21। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ कुल कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रखेंगे धारा कितनी है 21 है। ठीक है, अब इन धाराओं में विभिन्न जो नियमावली है वह नियमावली दी गई है, तो यहां तक की बात अपन दोबारा कर रहे हैं। तो शारदा एक्ट की अपनी बात हुई, तो शारदा एक्ट कब का है, 1929। शारदा एक्ट का दूसरा नाम क्या है, बाल विवाह निरोधक एक्ट। शारदा एक्ट किस वायसराय के समय लाया गया था, लॉर्ड इरविन। लाने वाला कौन था, डॉक्टर हरविलास शारदा। संबंध कहां से है, अजमेर से है। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 1930। कहां पर लागू नहीं हुआ, ध्यान रखे पांडिचेरी और कहां पे, जम्मू कश्मीर पर शारदा एक्ट लागू नहीं था। ठीक है, प्रथम संशोधन शारदा एक्ट में, पहला संशोधन 1940 में। मूल जो शारदा एक्ट रहा है उसके अंतर्गत लड़के की आयु, विवाह में लड़के की आयु कितनी रही है, तो विवाह के अंतर्गत लड़के की आयु है 18 वर्ष और लड़की की आयु कितनी थी, 14 वर्ष। प्रथम संशोधन कब हुआ, 1940 में, और लड़की की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 15 वर्ष। ठीक है, फिर द्वितीय संशोधन या पुनः संशोधन कब हुआ, 1978 में। तो 1978 में जो संशोधन हुआ उससे लड़का की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 21 वर्ष, और लड़की की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष की गई है। ठीक है, फिर इस शारदा एक्ट को भी और अधिक दृढ़ बनाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2006 में एक नया कानून बनाया गया है, और उस कानून का नाम क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसकी जगह आया है, शारदा एक्ट 1929 के जगह। ये कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007 कहां पर लागू नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी पे। वर्तमान में केवल कहां लागू नहीं है, तो ध्यान रखेंगे पांडिचेरी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी में नहीं रहा है, इसलिए अब वहां पे लागू किया गया है। विवाह करने वाला, विवाह करवाने वाला, विवाह में शामिल होने वाले सभी को दंड का प्रावधान किया गया है। और इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रखेंगे धारा कितनी है, 21 धाराएं हैं। इसमें जो प्रथम धारा है, प्रथम धारा इसमें ये उल्लेख किया गया है कि जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो बात करें इसकी धारा, कुल धाराओं का, ध्यान के धारा कुल कितनी है, 21। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कुल कितनी कानूनी प्रावधान किए गए हैं, 21 किए गए हैं। इसके अंतर्गत कौन से राज्य शामिल नहीं हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य और पांडिचेरी शामिल नहीं था, लेकिन अब ये केवल पांडिचेरी में लागू नहीं है। और ये बात किस धारा में उल्लिखित है, तो धारा एक, धारा प्रथम। प्रथम जो धारा है इसमें यही उल्लेख है कि ये जम्मू कश्मीर और पुंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो प्रथम धारा में किसका उल्लेख हो गया, कहां लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर प्लस पांडिचेरी, पांडिचेरी में प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये बात कौन सी धारा में उल्लेखित है, धारा एक में। लेकिन अब ये इसमें तो लागू है लेकिन यहाँ लागू नहीं है, तो ध्यान रखें ये हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर वाला, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, फिर दूसरी जो धारा है इसकी उसमें परिभाषा दी गई है, तो ध्यान रखेंगे जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वाला था उसमें भी धारा दो में क्या थी, परिभाषा थी, और यहाँ पर भी परिभाषा है कि बाल विवाह किसको कहेंगे,
बाल विवाह किसको कहेंगे? तो बाल विवाह संबंधी परिभाषा, तो बाल विवाह संबंधी परिभाषा या बाल विवाह की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 2। तो परिभाषा में वही बात होगी कि वह बालक जिसकी आयु 18 वर्ष लड़की होगी तो 18 वर्ष, लड़का होगा तो 21 वर्ष से कम होगी तो वह किसका मतलब किस प्रकार का विवाह माना जाएगा? बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें अपन धारा 3 की, तो धारा 3 में बाल विवाह बंधन का जो पक्षकार होगा, जो विवाह के समय बालक है या फिर विवाह के समय बालक है या फिर बालक था, तो विकल्प शून्यकरण हो जाएगा। तो बाल विवाह संबंधी जो विकल्प शून्यकरण की बात है वो धारा 3 में, तो बाल विवाह संबंधी विकल्प शून्यकरण की बात किससे धारा में है? तो धारा 3 तो ये बात किसकी करता है? विकल्प शून्यकरण की बात करता है कौन सी धारा? तो धारा 3 के अंतर्गत। फिर बात करें धारा 4 जो है, महिला पक्षकार भरण पोषण और निवास के उपबंध, यानी जो महिला पक्षकार है जिसका बाल विवाह है उसके भरण पोषण व निवास का उपबंध, तो धारा 4 इसमें बात करेंगे किसकी? महिला पक्षकार के भरण पोषण व निवास का उपबंध किसका होगा? तो ये धारा 4 में उल्लेखित किया गया है। बाल विवाह से जन्मे बच्चों के भरण पोषण की बात करें तो वह धारा 5 से जुड़ी हुई है। बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए जो नियम बनाया जाएगा वो किसके द्वारा? जिला न्यायालय के आदेश पर, तो धारा 5 में। तो देखो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं जिनकी संभावना ये बनती कि क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें जो मुख्य नियम निर्दिष्टित हैं, तो उन धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सभी धाराएं अपन पढ़ेंगे नहीं, तो धारा 1 अगली 9 धारा नंबर 9 ये फिर से महत्व रखती है क्योंकि इसके अंतर्गत जो पुरुष बाल विवाह करेगा, जो वयस्क होगा बाल विवाह करेगा, यानी पुरुष तो विवाह के योग्य है लेकिन जिससे विवाह करने जा रहा है वो बाल है, तो ऐसे पुरुष को भी दंड का प्रावधान है, तो उसे 2 वर्ष का दंड मिलता है। तो वयस्क पुरुष द्वारा विवाह करने पर 2 वर्ष दंड का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? तो ध्यान रखेंगे धारा 9। तो धारा 9 का संबंध हो गया वह पुरुष जो बाल विवाह करता है वह भी आरोपी है और उसे कितने वर्ष की सजा दी जाएगी? 2 वर्ष। ठीक है, इसके बाद धारा 10 है। धारा 10 के अंतर्गत जो व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करेगा, बाल विवाह को संचालित करेगा या बाल विवाह को निर्दिष्टित करेगा वह धारा 10 के अधीन अपराधी होगा और उससे कितना कारावास है, तो उसको भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे धारा 9 में विवाह करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाएगा और धारा 10 की बात करें तो विवाह करवाने वाला क्या होगा? अपराधी, और उसे भी कितना दंड दिया जाएगा? 2 वर्ष का। विवाह करने वाला धारा 9 में, विवाह करवाने वाला धारा 10 में, दोनों को समान रूप से कितना दंड है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का कारावास। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें इनको 1,00,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो 2 वर्ष तो क्या है? दंड है। इसके अतिरिक्त 1,00,000 या फिर 1,00,000 रुपए तक जुर्माना, 1,00,000 रुपए तक जुर्माना का प्रावधान भी किस धारा में किया गया है? धारा 9 और 10। 9 में विवाह करने वाला और 10 में विवाह करवाने वाला है। अब इसके बाद ध्यान रखें मित्रों,
धारा 11 फिर इंपॉर्टेंट है। धारा 11 के अंतर्गत बाल विवाह में भाग लेने वाला या विवाह का जो संवर्धन बढ़ावा करने वाला है, बढ़ावा देने वाला है, वो भी अपराधी माना जाता है और उसको भी 2 वर्ष तक का कारावास या 1,00,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। तो लेकिन इसमें एक खास बात है 11 में, तो 90 धारा के अंतर्गत विवाह करने वाला, 10वीं के अंतर्गत विवाह करवाने वाला और 11वीं में क्या है, विवाह में भाग लेने वाला, विवाह में भाग लेने वाला ये भी क्या है, अपराधी है और इसको भी कितने वर्ष का दंड का प्रावधान है, 2 वर्ष दंड, 2 वर्ष कारावास का प्रावधान है। साथ ही इसके ऊपर भी जुर्माना लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें खास बात है, इसमें महिला यदि भाग लेती है तो वह महिला दंडनीय नहीं है, तो इसमें महिला को छूट दी गई है, महिला दंडनीय नहीं है। यदि कोई महिला भाग लेती है तो वो भाग ले सकती है, वो उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लागू नहीं होता है। धारा 12 की यदि बात करें तो बालक जो अवयस्क है को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती बलपूर्वक अवैधानिक तरीके से विवाह करते हैं तो वह विवाह शून्य हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे बहला फुसलाकर विवाह से संबंधित कौन सी धारा है, तो 12 में क्या है, जबरदस्ती विवाह है बलपूर्वक, बलपूर्वक तो एक शब्द बोलेंगे अपन क्या, बलपूर्वक या बोलेंगे जबरदस्ती, ठीक है, या बोल सकते हैं बहला फुसलाकर, बहला फुसलाकर जो विवाह करवाया जाएगा उस विवाह से संबंधित कौन सी धारा है, तो धारा 12 है। और इस प्रकार का जो विवाह होगा वो विवाह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह के विवाह के शून्य होने का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 12 में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसके बाद एक और धारा का ध्यान रखें, और धारा कौन सी, 13, धारा 13 की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत यह है कि बाल विवाह प्रतिबंधित कर प्रतिषिद्ध करने वाला जो व्यादेश होगा, बाल विवाह प्रतिषिद्ध करने वाला जो व्यादेश जारी होगा उस व्यादेश को जारी करने की शक्ति किसको दी गई है, तो न्यायालय को। तो न्यायालय बाल विवाह प्रतिषेध करने का व्यादेश दे सकता है, तो धारा 13 क्या हो गई, बाल विवाह प्रतिषेध का आदेश कौन दे सकता है, न्यायालय। और ये कहां उल्लेखित है, तो धारा 13 में, ठीक है। इसके बाद बाल विवाह शून्य हो जाए तो 14, यदि 13 का उल्लंघन हुआ है तो धारा 14 के अंतर्गत बाल विवाह शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जबरदस्ती बलपूर्वक में भी बाल विवाह शून्य, तो 12 है और 13 का उल्लंघन होगा तो 14 के अनुसार बाल विवाह को शून्य कर दिया जाएगा। क्या राज्य की सरकारें, स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो भी इस बाल विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए कानून बना सकती है या किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, तो धारा 16 है, धारा 16 में ये प्रावधान किया गया है, धारा 16 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार, अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अनुसार होती है, तो धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। और इस तरह से जो नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा उसको धारा 17 के अनुसार लोक सेवक समझा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किस धारा के द्वारा लोक सेवक का दर्जा दिया गया है, तो लोक सेवक किस धारा के अंतर्गत, धारा 17, तो धारा 17 से इसको लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। इसके बाद
आगे अपन बात करें तो एक और धारा इम्पोर्टेंट है, 20वीं धारा। और 20वीं धारा में ये उल्लेख किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम कब का है, 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो ध्यान रखेंगे धारा 20। तो एक और धारा इम्पोर्टेंट है और वो धारा कौन सी है, 20वीं धारा। 20वीं किस में संशोधन करती है, हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत संशोधन किया गया है, तो ध्यान रखेंगे धारा 20। तो धारा 20 का संबंध है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन, ठीक है। और इसी के द्वारा इसी इसमें कुल धारा 21 है, तो ये जो 21वीं जो अंतिम धारा है, 21वीं जो धारा है, इसका क्या महत्व है, तो ध्यान रखेंगे शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट जो है बाल विवाह प्रतिषेध कानून जो 1929 का था, हरिविलास शारदा ने बनाया, उस शारदा एक्ट को निरसन, उसका निरसन, उसको निरसित किस धारा से किया गया है, तो 21 से। तो 21 भी इंपॉर्टेंट है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ, उसे को लागू किया गया, तो ये किसकी जगह आया था, शारदा एक्ट, और शारदा एक्ट के निरसन का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 21 में इसका उल्लेख किया गया है। अब ये जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना है, ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना हुआ, तो राज्यों की सरकारों के द्वारा भी अपने अपने स्तर पर राज्यों में बाल विवाह प्रतिषेध नियम बनाए गए हैं। तो बताओ वर्तमान में राजस्थान में बाल विवाह संबंधी कौन सा प्रतिषेध नियम लागू है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में क्या लागू है इससे संबंधित, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं, तो राजस्थान में बाल विवाह प्रतिषेध से संबंधित कौन सा कानून वर्तमान में लागू है, तो राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, और किस वर्ष, 2007। तो वर्तमान में राजस्थान में बाल विवाह संबंधी कौन सा नियम है, राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007। तो ये अपनी बाल विवाह और बाल विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट थी उनके ऊपर अपनी चर्चा हुई है। इससे संबंधित बाल विवाह हो, बलात्कार हो, और दहेज जो कान दहेज प्रतिषेध जो नियम था, तो अपनी तीन टॉपिक्स की बात हो चुकी है, और तीन टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन और करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।